तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आज हमने पढ़ी लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन। तो इसकी हमारे पास दो तो होती हैं, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट की अमाउंट कंट्रोल करता है बाय कंज्यूमिंग अर्लियर और जल्दी कंज्यूम हो जाता है। तो इसकी हमारे पास हमने दो इसके बेनिफिट्स बताए थे, एक है ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। हमारे पास जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है उसको हम जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट के बराबर ही लेते हैं और जो इनएक्सपेंसिव जो होता है हमारे पास रिएक्टेंट उसको हम आमतौर पर ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं ताकि एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज़ हो सके। और हमारे पास जो है महंगा जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास बाकी ना बचे। एफिशिएंसी इंक्रीज देन इंक्रीज स्पीड, हम किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के उसकी इंक्रीज स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ रिएक्शंस में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर जो है ऑक्सीजन का रोल होता है, तो हमने यहाँ पर हमारे पास ये आयरन है, आयरन का ब्लॉक है, तो यहाँ पर हमारे पास हर तरफ अगर हम इसको ऑक्सीजन से अगर हम भर दें तो इसको जंग लगने के ज़्यादा चांसेस हैं देन जस्ट एक्सपोजिंग अ सिंगल एरिया टू द ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग स्पीड, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स बताई थी, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास थी, पहले हमने एग्जांपल नंबर वन हमने ली थी कबाब और स्लाइसेस की। तो हमारे पास अगर 30 कबाब हों और हमारे उसके अंदर हमारे पास 58 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हों, तो अगर हमने सैंडविचेस बनाने हों तो हमारे पास टू स्लाइसेस और वन कबाब मिलके हमारे पास एक स्लाइस बनाता है, तो हमारे पास 29 स्लाइसेस बन जाएंगे और सॉरी सैंडविचेस बन जाएंगे, जिससे हमारे पास एक कबाब पीछे बच जाएगा। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा वहाँ पर स्लाइसेस होगा क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में भी यूज़ हो रहा है और ये हमारे पास प्रेजेंट भी कम अमाउंट में है। ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल नंबर टू की अगर हम बात करें तो हमने ये वाला रिएक्शन लिया था H2 + O2 = H2। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके हमारे पास H2O बनाता है, तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मोल हाइड्रोजन और एक मोल ऑक्सीजन मिलके हमने बनाया है H2O। लेकिन अगर हम इसी तरह अगर हम इसकी हाइड्रोजन को उतनी अमाउंट में ही रहने दें और ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा दें, दोनों को एक इक्वल अमाउंट में ले लें, तो H2O ही बनेगा और साथ जो है हमारे पास एक ऑक्सीजन का मोल जो है ना फालतू बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहा है, दो मोल इसके यूज़ हो रहे हैं, तो ये जो हमारे पास जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का हमारे पास मोल पीछे बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज का पूरा टॉपिक था। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई चीज़ प्रॉब्लम है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर देंगे। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।